स्प्रिंग वाले पास्ते आपने तो बहुत खाए होंगे, पर कभी स्प्रिंग वाला फ्रेंच फ्राई खाया है कभी? नहीं तो चलिए आज मेरे किचन में बनने जा रहा है आलू से बनाइए स्प्रिंग वाले फ्रेंच फ्राई। इसमें खासियत एक बात है, इसकी कटिंग की, अगर आपको कटिंग आ गया तो मानो आप मास्टर हो जाएंगे फ्रेंच फ्राई कटिंग के। ये देखिए हमारा कितना स्प्रिंग जैसा है, एकदम स्मूथ। और इस तरह से मैंने दूसरे भाग को भी इस तरह से कट कर दिया है। ये देखिए हमारे फ्रेंच फ्राई तैयार हो चुके हैं। हेलो दोस्तों, ब्रिजा किचन में आपका स्वागत है। तो आज मेरे किचन में बनने जा रहा है फ्रेंच फ्राई स्प्रिंग वाले। यहाँ पर मैंने एक बड़े आलू का इस्तेमाल किया है जिसके छिलकों को मैंने निकाल दिया, और ऊपर और नीचे भाग को हम काट लेंगे। अब आती है पूर्व दिशा के आलू को निकाल देना है काट कर, और फिर पश्चिम दिशा को, फिर उत्तर की आती है बारी, फिर दक्षिण दिशा को भी हम काट कर एकदम चार कोण का शेप दे देंगे बीच वाले भाग के आलू का, और बचे हुए आलू के किनारे के भाग को हम सब्जियों में इस्तेमाल कर लेंगे। अब इसे भी हम बीच में से कट कर देते हैं, काट लेते हैं दो भागों में। अब इसे भी काट लेंगे, इस तरह से हम एक में चार भाग कर देंगे, एकदम लंबे आकार में चार कोण का। तो यहाँ हम लेंगे अब जूस पीने वाला दो पाइप, यहाँ बीच में हम आलू को सेट कर देंगे, और ये ज़रूरी है। अब यहाँ हम चाकू की सहायता से इसे हम कट करते चले जाएंगे अंत तक। यहाँ पर हम चाकू सीधा रख कर इस्तेमाल करेंगे, इसे हम नज़दीक काटते चले जाएंगे, और एकदम आर पार नहीं करना, नहीं तो हमारा स्प्रिंग दो भागों में बट जाएगा। अब ऊपर के भाग को करेंगे नीचे, और नीचे के भाग को करना है ऊपर। अब यहाँ हम क्रॉस में चाकू से काटेंगे, पहली बार हम सीधा चाकू रख कर काटेंगे, और दोबारा हम क्रॉस में चाकू रखकर उसके उल्टे भाग को कट करेंगे, और एकदम अंत तक इसमें भी नहीं काटना है, नहीं तो दो भागों में टुकड़ों में बट जाएगा। हाथों की सफाई के साथ इस तरह से हमने तैयार कर लिया है स्प्रिंग वाले फ्रेंच फ्राई। देखिए थोड़ा भी अलग नहीं हो रहा है, बस इसे काटने में एक खासियत है, जिगजाग हो रहा है, देखिए कितना स्मूथ है। लेकिन फ्राई होने के बाद ये बहुत ही कुरकुरा तैयार हो जाएगा। अब बच्चों को तो बहुत पसंद आएगा ये आकार का फ्रेंच फ्राई। तो इस तरह से मैंने एक एक करके सारे फ्रेंच फ्राई को मैंने काट लिए हैं, धुलकर भी ले लिया इनको। अब इसमें जाएंगे एक चम्मच कॉर्नफ्लोर के आटे। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो यहाँ आप चावल का आटा इस्तेमाल कर सकती हैं। अब इन सबको कर देना है अच्छी तरह से मिक्स, अच्छी तरह से इसकी कोडिंग कर ले हम। ये देखिए तेल यहाँ पर मैंने रख दिया था गर्म होने के लिए, तेल गर्म हो चुका है। इसमें हम कच्चे फ्रेंच फ्राई को डाल देंगे। अब यहाँ हम एकदम स्लो फ्लेम कर देंगे, और स्लो फ्लेम पर हमें इसे उलट पुलट कर अच्छी तरह से पका लेंगे, ताकि और अंदर तक कच्चा ना रहे, और ये बहुत ही कुरकुरे तैयार हो जाए। उलटते पुलटते रहेंगे तब तक जब तक ये अंदर तक पक ना जाए और क्रिस्पी ना बन जाए। देखिए क्रिस्पी बन चुका है, इस तरह से मैंने दूसरे भाग को भी फ्राई करके निकाले। अब इसमें जाएगा नमक, स्वाद के अनुसार डालेंगे, और यहाँ ब्लैक पेपर डालेंगे, काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर डालते हैं। थोड़ा तीखा चटपटा करेंगे तभी तो खाने में अच्छा लगेगा। आप यहाँ चाट मसाले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने स्किप कर दिया है। अब इन सब मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ऐसे उलट पलट देंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब देखिए हमारा क्रिस्पी सा फ्रेंच फ्राई तैयार है। ये देखिए ये बहुत टाइट है, एकदम कुरकुरे जैसा। सॉस में डुबाइए और मज़े से खाइए, बच्चों को भी खिलाइए। तो है ना बनाना बहुत ही सिंपल तरीके का आलू का स्प्रिंग वाला फ्रेंच फ्राई। खाइए, एंजॉय करिए।